चलो चलो चल ले जो तीर। तो दोस्तों आज हमारी तैयारी हो रही है दिनाल जाने की, तो वहाँ से दिनाल में हम सुर कर आले। तो दिखाते हैं आपको कि अनाज की छटाई कैसे की जाती है पहाड़ों में। तो आज चल रही हम खेत में, गडल पुणमो डूला सुकनाल का नखने अच्छे। चल हाँ तो यहाँ पे पानी कर लेते हैं स्टोर डब्बे में। तो यहाँ पर हमारे भैंस आते पानी पीने, आती थी है। ये भी हमारी गाय आती है और बैल आते हैं, और यहाँ पर नल भी तोड़ दिया किसी ने, तो मैं इस तरह से पानी भरना पड़ता है। तो ये दिनाल जो हम लगाने जा रहे हैं, तो इससे होगी अनाज की छटाई। और इसका हम बोलते हैं कंधे दिनाल, मतलब दो आदमी खींचेंगे तो एक लगाएगा। तो रोहित और रोहित की माँ तो खींचेगी, रोहित और रोहित के पिता तो खींचेंगे, रोहित लगाएगा दिनाल। नहीं निकल कर नहीं ना, हाँ कुछ इस तरह से रस्सी को फंसाया जाता है, और यहाँ से एक खुंडा मार के इसी तरह कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से बांधना होता है, और फिर से आदमी के कंधे में टांगना होता है, फिर आदमी को बनाया जाता है यहाँ पे बैल। तो आज बैल का काम हम ही करेंगे। तो मेरे से तो खींचा नहीं जाएगा, तो अच्छा? मैं सोचूंगी ज्यादातर आप ही खींचोगे। मैं खींचूंगा, मैं तो थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए आई हूँ। तो इस तरह से रस्सी को फंसाना होता है, जो दंडा होता है हमारा। तो एक होगा छोटा बैल के लिए, एक हो गए बड़े बैल के लिए, बड़े बैल के लिए बड़ी रस्सी, छोटे बैल के लिए छोटी रस्सी होती है। क्योंकि ये नाज अभी बहुत छोटा है ना, तो बड़ा होता तो हमें बैलों को लाना होता है। तो ये छोटा है पड़ जाएगा ना। हाँ, तो इस तरह से इस पे गांठ बांधनी होती है। सरपण बनाया रहता है उसके। चल अन्य गांव में तो जो जो होते हैं उन्हें काट के मंडवा बुनना भी शुरू हो चुका है। ये देखिए हमारे रण, हमारे पास के गांव रणवा मेरे ये रहा। तो चलो करो शुरू। अरे तो मुझे आगे जाने दो, मैं शूट करती हूँ बैलों का भी, बैलों का गुस्से ही कभी कुछ सही पोजीशन लेके। अरे तो इस तरह से लगाना होता है ताकि नाज भी बच जाए और छटाई भी हो जाए इसकी। तभी उसके पापा खींच रहे हैं तो वो लगा रहा है। थोड़ी देर में मुझे भी लगना होगा, क्योंकि एक ही आदमी का बस का नहीं होता है, एक ही आदमी थक जाता है, कंधे में रस्सी टांगना होता है। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा नाच भी बच जाता है। ये रहा नाच, ये रहा हमारा नाच, ये रहा। तो जो इस तरह से ये दना लगाते हैं हम, तो इससे थोड़ा थोड़ा नाच भी बच जाता है, और जिसमें लगाने गए उसमें ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी छटाई हो जाएगी। क्योंकि नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा एक पुचुक जैसा ना, तो इसे छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये उग चुका हमारा झंगोर भी, तो ये लग रहा है झंगोरा में। और मंडवा की जो अगले आगे आगे का मंडवा बोता है बोया है ना, तो नीचे की साइड है, तो थोड़ा थोड़ा सा जमाया भी, तो हमें उसमें अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ से ऊपर ही जाना होगा हमें। यहाँ से दो चार खेतों में लगा के फिर निकलना होगा घर को, तो फिर दिखाते हैं आपको। और बने रहे हैं हमारे साथ। एक सीन लग रहे आप पता नहीं बोलूंगा बोने। चलो ठीक, तो अब हम दोनों खींच रहे हैं तो हल्का हो गया थोड़ा सा, अब ठीक लग रहा है। क्या होता कि यदि अनाज बड़ा होता फिर बैल को लेके हमने आना था, लेकिन इसमें अफसोस करनी है कि बैल को लाया जाए, छोटा है ना, तो बैल वाले दिन आज से उखड़ जाएगा। तो देखिए छटाई ठीक हो रही है उसे, बाकी इसके बाद अब गुड़ाई होगी एक दो हफ्ते बाद, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा झंगोरा, तो निलाई गुड़ाई का टाइम भी शुरू हो गया, गेहूँ की कटाई का भी टाइम शुरू हो गया, अभी तो काम ही काम है। तो देखो हमारा बेटा कितना तक लगाता है, फिर इसकी वीडियो लगाएंगे ना खींचने पर। हाँ जाते बकुल रे, दे बोले रे, जहाँ पे घना है वहाँ पे दबा ले, जहाँ पे कम कम है वहाँ पे हल्का रख। उफ, कभी कभी बैल भी बनना पड़ता भाई खुद भी। जो नया आदमी है ना उसके तो घुटने भी बाजते हैं पीछे दिनाल पे, पटाई पटाई बिल्कुल बल गए, खड़ा खड़ा खाए भी घास खाना। सही बात, बल तो ध्यान तो खाना भरम था। तो नीचे वाली खेत से आके अब हमने ये खेत भी कंप्लीट कर लिया है ये वाली, अब जा रहे हैं हम उस साइड में। आज हमें लग रहा है हमें जो इस साइड है ना तो पूरा ही करके जाएंगे, इसके कारण हम बैलों को नहीं लेके आए, क्योंकि बैलों के साथ बहुत वो होता है लपड़ा होता है ना, उन्हें ले जाने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए इन लोगों को भी लगाना हो चुका है, और ये नीचे वाला ऐंठी वालों का है, बहुत दूर से आना पड़ता है उन लोगों को। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो ये कनाली होती है ना, ये गाय भैंसों के लिए काटा जाता है अक्सर, तो लोग लगे हुए आजकल काटने पे। ये देखिए कितनी बड़ी है, तो पहले तो ज़माने में हम लोगों ने बहुत मार खाई थी इस कनाली से, तो पतिदेव ने भी खाई होगी और मेरे बेटे ने तो कभी नहीं खाई, खाई है नहीं खाई है। शाबाश रे बलदा, सिथमाल पर घर था चलो चलो। तो दोस्तों तीसरी वाली खेत में हम आ चुके हैं, तब रोहित खींच रहा है, उसकी माँ लगा रही है, आराम से भाई। तो देखो अच्छी तरह से छटाई भी हो रही है,
दबा लो और हैं, दब ले दब। चलिए जी, एक और खेत में हम आ चुके हैं। अभी तक थे वो नीचे वाले खेत में, अब इसमें भी कर लेते हैं फटाफट से, इसके बाद एक दो और देखते हैं। हवा भी चलने लगी है उससे, तो देखिए क्या शानदार हवा चल रही है। चलो रोहित, हाँ एक ही लगा लेगा। चलो जी चलते हैं अब लास्ट वाले खेत में। पांच खेत में अभी तक लग चुका है, तभी हमने एक खेत कंप्लीट किया, ये वाला जो लाल दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, हो गया आज का दिन, आल का काम भी समाप्त। एक्सपेंस कैसा रहा? ठीक ठाक ही रहा फिलहाल। था थकान भी लग चुकी है, अभी लगाया नहीं है पूरा, अभी तो करते गया दो दिन के लिए। दो किल क्यों, तीन, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, एक पल्ले छा। कल तो लगेगा नहीं, कल है मेला कीर्तन का, तो कल हम जाएंगे चौथान, वहाँ से जाना है मामा गाँव, हम मामी की याद खबर लेने भी जाना है। दिखाएंगे आपको कल का एपिसोड में, कल की वीडियो में। देखते रहे, बने रहे हमारे साथ कल के मेले देखने के लिए। तो दोस्तों बैसाखा महीना चल रहा है, तो ऊपर जा रही शादी वाली गाड़ियां हूँ। ओलका की भी हो तो खेत से घर आने के बाद में जो काम हमने किया, वो काम तो ये हो रहा कि रोहित की माँ तो झाड़ू पे लगी हुई है इन दिनों। नहीं किया, नहीं, मैंने किया। वो भी पत्नी है नल पर बैठी है, जिस नल पर शायद पानी कभी आना नहीं है। मेरा बनाया जा रहा है झाड़ू। कितने झाड़ू बन गया अब तक? ये तीसरा है, ये बन रहा है चौथा, तो बना के एक साइड रख दूंगी, अभी बच्चों का काम भी आएगा स्कूल जाने का। बात की जाए, मौसम बिल्कुल शानदार हो रखा है, और सामने हमारे मालते के पेड़ पर कितने सुंदर से फूल लगे हुए हैं, मस्त सी खुशबू भी आ रही है दोस्तों। बैसाखा महीना चरम सीमा पर है और गेहूँ पकने शुरू हो चुके हैं, पकने की लुवाई भी शुरू हो चुकी है। अब मैदानी वाले क्षेत्रों में तो गेहूँ काटे भी जा चुके हैं कम्प्लीट ही, तो देखो पूरी सारी पीले पानी में बदल चुकी है। इनकी कटाई भी शुरू कर दी थी हमारा खेत सामने, तो माँ ने भी आज सुबह कटाई शुरू की, तो हम गए थे झुंघोर में दिना लगाने, और पास वाले गाँव में शादियाँ भी हो रही है भाई, रोली में भी हो रही है, बुगाड़ी में भी हो रही है। तो चलो फिलहाल वक्त हो रखा है खाने का, खाना खा लेते हैं। चलो जी चल चकमा। रोहित की माँ तो लगी है झाड़ू बटने पे, पत्नी कितना झाड़ू इस साल बटे जाएंगे, शायद स्कूली बच्चों के भी काम आएंगे बाद में, हो सकता है ये भी एक कारण है। तो चलो आइए खाना खा लेते हैं पहले। चलिए जी दोस्तों, हो चुका है दोपहर का खाने का वक्त, खाना खाना होगा जल्दी, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है गर्मी में भाई, क्या करें, इनका भगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थोड़ा भी दरवाज़ा खुले हो जा रहे तो मक्खियाँ सारे अंदर आ जा रही है। आप लोग भी आइए,
गरमा गरम खाने का एंजॉय कीजिए। जाना है मुझे बांस बुरा जो भी कुछ है ना वो लेके आना है, इतना सारा काम है मेरे लिए। पहले तो खिलाए इनको पूछती हूँ, इनको निमटा पीना पहले है। मेरी लट्ठी खा गई और मेरी तैयारी तो हो गई है रोजगार पे जाने की। और रोहित की माँ कूट गई जो कि लास्ट वाली दही है हमारे यहाँ से। बाकी दोपहर तक जो मौसम देखा जाए तो बहुत शानदार हो रखा है, बारिश की तो उम्मीद नहीं है फिलहाल, पर आज ना आए तो ठीक है, उससे हमारी कुटाई हो जाएगी ना। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ रोजगार पे, तीसरी वाली जगह पर हमारा चल रहा है रोजगार। तो यहाँ पर बनाए जाएंगे आज सीढ़िया, तो ये सामने है मसाला का ढेर, तो करते हैं उसको मिक्स। सामने अखरोट का पेड़, माल्टा का पेड़। तो इस वाली जगह पर आज हमारा काम चल रहा है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, दो कट्टे का हमने मसाला बनाया था तो उसको डाल चुके हैं अभी तक, तो एक दो कट्टे को आगे हम बनाने जा रहे हैं। तो गांव में सब मिलजुल कर काम करते हैं। मिलजुल के रहियो, मिलजुल के रहियो। आबल को लोना बाटा, आबल कोना बाटा, आबल मैं या कोट हो लो ना, हां हम या मोड़ ले कोना बाट जाने दे है। ठीक है ठीक यार, क्या कुछ न लगा चुका हूं मैं, तो बात था वो नाम को बताओ, आओ खबर दो ना, कोना बाटा आबल है, कोना बाटा आबल है। चार बलून चलने चलो, कोई बुन चल चल तो देखो, और लेंटर में दो कट्टे का मसाला भी बनने जा रहा है, तो इसको भी डाल लेंगे शाम तक। तो इस वाली जगह पर हमारी बननी है चाय, काम वालों की चाय बननी है दोस्तों यहाँ पे।
चलो जी हो गई चाय भी बनके तैयार, पी लेते चाय। बुलमनल क्या दो कटे का मसाला यहाँ पर हमने बनाया था, वो भी खत्म हो चुका है और मसाला पूरा हो ही जाएगा, लगभग हो ही जाएगा ना, हो जाएगा आराम से। फिर बाथरूम की छत के ऊपर हमने यहाँ पर मसाला बनाया था। अब बेलचा लगाने में बहुत ज़्यादा सहूलत हो रही है, समय भी हो चुका है 5:30। तो चलिए दोस्तों, हो चुका आज का काम भी समाप्त। दो कट्टा का मसाला हमने यहाँ भी पिटा दिया है और यहाँ पर जो स्टेप डाले गए हैं स्टेप नीचे पड़ चुके हैं। वहाँ से लेके यहाँ पर तक हमने काम हाथ फिनिश कर दिया है। ओ भाई साहब, और हमारा भतीजा बाबा स्टंट कर रहा है खतरनाक तरीके से बाथरूम के ऊपर। कमला की गई मैंने रोटी गाड़ी ले जाना पिपला कोटी, कमला की माँ जी पैक दे भाते गाड़ी ले जाना 2 बजे रात। अलग भाषा बच तू बोल दे, कमला की बही मना दे रोटी ये ले जाओ पिपला पोटी, पिपला पोटी बही की माँ जी मना दे रोटी मने ले जाना पिपला पोटी। हाय हो रे भाई मारी दे बात कमले ले जाने चलती गाड़ी में बरियाल लूणे गाड़ी ले जाने डेढ़ दोने तो माँ और ताई के द्वारा यहाँ पर कुछ गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। अब माँ तो तुम भर देश का कट्टा दे।